अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। महाराष्ट्र राज्य में भूमिगत मेट्रो सेवा यात्रा के एक नए युग का प्रवेश हो गया है। मुंबई की बढ़ती आबादी को देखते हुए यातायात की भीड़ और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया गया है। मुंबई मेट्रो परियोजना की 3 लाइनों का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये भूमिगत मेट्रो जमीन के अंदर से 21 मीटर की दूरी से चलेगी। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहला चरण योगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सिप्स क्षेत्र से जेवीएलआर से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक चलता है। इस मार्ग की कुल लंबाई 33 किलोमीटर है। कुल भूमिगतीकरण 52 किलोमीटर, कुल 26 रेलवे स्टेशनों से एक ओवरलैंड रेलवे स्टेशन। प्रोजेक्ट की कुल लागत 37,275 करोड़ रुपए है। इस वक्त महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवाभाऊ देवेंद्र जी फडणवीस इनका आभार भी मानना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके हाथों से भव्य ऐसा उद्घाटन इस मेट्रो का किया गया है। मुंबई तो ऑफिस दैनंदिन दृश्य है, पण आता तुमचं आरामदायी आणि सुरक्षित प्रवासाचं स्वप्न अवघ्या काही मिनिटांमध्ये पूर्ण होणार आहे। आरे ते बीकेसी हा 1 तासांचा तुमचा प्रवास अवघ्या 22 मिनिटांत पूर्ण होईल, कारण या मार्गावर भुयारी मेट्रो तुमच्या सेवेत तयार आहे। मोदी आणि देवाभाऊंच्या डबल इंजिन सरकारच्या वेगवान निर्णयाने मुंबईकरांचा प्रवास आल्हाददायक होणार आहे। यातील पहिला टप्पा 12.44 किमीचा असून दर 6.5 मिनिटांनी मेट्रो ट्रेनची सुविधा असेल। या मेट्रो प्रवासासाठी प्रवाशांना फक्त 10 ते 50 रुपये मोजावे लागणार आहे। यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलाय, याचा पावसावर कसलाही परिणाम होणार नाही। मेट्रो 1 आणि मेट्रो 7 च्या कनेक्टिव्हिटीमुळे प्रवाशांचा प्रवास सुकर होणार आहे। माहितीच्या काळात मुंबई घडतंय सुपरफास्ट। ये न्यूज कव्हर की हमारे परभणी। आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24x7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठाण, दी फॅक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान परभणी, आज तक के मराठवाडा ब्युरो चीफ सोहेल तांबोली, 24x7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल के मराठवाडा ब्युरो चीफ फिरोज खान पठाण, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24x7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एन ए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए, जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं। ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग।
रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एन ए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एन ए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से इंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22x40 के प्लॉट्स है और 22x40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सेंक्शन कराकर ये डीपी। और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के खत्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेहराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है, हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है, हर प्लॉट पर यहां पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहां पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी, अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी, हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी, याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं, आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ, एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी।